हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ भी लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? वन फिल पाइप ए, टेक 3 मिनट्स मोर टू फिल द सिस्टर्न देन टू फिल पाइप्स ए एंड बी ओपन टुगेदर टू फिल इट। सेकंड फिल पाइप बी टेक्स 21 1/3 मिनट्स मोर टू फिल सिस्टर्न then to fill pipe and be open together to fill it. When will the cistern be full if both pipes are open simultaneously? दोनों पाइप एक साथ खोलने पे कितने टाइम में ये भर जाएगा, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मतलब ए, यहाँ पे दो पाइप हैं ए और बी। जो ए है, दो पाइप है, एक ये सिस्टर्न है, इसको भर रही है दोनों पाइप, पाइप इसके साथ कनेक्ट है। जैसे पाइप खोल देते हैं ये भरना स्टार्ट कर देती है। दोनों पाइप अगर एक साथ खोलने में जो टाइम लग रहा है, अगर ओनली अकेला ए पाइप को खोलते हैं तो उससे 3 मिनट ज़्यादा लग रहा है। अगर ओनली बी के साथ खोलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो 21 1/3 मिनट्स, मतलब 64/3 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, वही मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। हमें अगर एफिशिएंसी पता चल जाए, ए की भरने की एफिशिएंसी, बी की भरने की एफिशिएंसी, ये पता चल जाए तो हम पता कर सकते हैं कि दोनों मिलके कितने टाइम में इसको भर देंगे। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पे एफिशिएंसी पता करनी है दोनों की। एक की एफिशिएंसी क्या है, यहाँ पे मिनट्स में एफिशिएंसी पता करेंगे, क्योंकि मिनट्स में टाइम दिया हुआ है तो मिनट्स में देखेंगे कि कितने, एक मिनट में कितना ए भर पा रहा है, बी कितना भर पा रहा है। ठीक, और यहाँ पे थोड़ा कुछ सपोज करके चलना होगा। तो मान लेते हैं लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स मिनट्स। ठीक है, ए और बी दोनों मिल के कितना टाइम ले रहे हैं, एक्स मिनट्स टाइम ले रहे हैं। तो ए कितना ले रहा दोस्तों, इन्होंने जैसे कि इन्होंने लिखा कि 3 मिनट ज़्यादा, तो ए का हो जाएगा एक्स प्लस 3 और बी का हो जाएगा एक्स प्लस 64/3। 64 मैंने जो 21 1/3 से लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो ए की जो एफिशिएंसी है वो निकाल लेते हैं, फिर बी की निकाल लेते हैं। ए कितने टाइम में काम कर रहा है, एक्स प्लस थ्री मिनट्स में ये काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है वो भी यहाँ पे हमें मान के चलना होगा। हम मान लेते हैं एक्स यूनिट्स मीन एक्स लीटर मान लीजिए यहाँ पे आप, मतलब जो एक्स यूनिट है या एक्स लीटर पानी है वो भर रहा है। तो कितने टाइम में भर रहा है, एक्स मिनट्स में। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्वान्टिटी सेम रहेगा, सेम मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे। तो जो ए प्लस ए का यहाँ पे एक्स प्लस 3 मिनट्स ले रहा है और एक्स यूनिट्स काम कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, जितना टोटल यूनिट है, टोटल यूनिट कितना एक्स है, एक्स डिवाइडेड बाय जितना टाइम ले रहा है, मतलब एक्स यूनिट है, इसको आप लीटर मान के चलिए, एक्स लीटर जो पानी है वो भरा जा रहा है, टोटल पानी एक्स लीटर ही भरना है इसमें सिट्रस में, और इसका कैपेसिटी भी एक्स लीटर ही है। तो एक्स यूनिट बोल, जब जस्ट शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्स ओवर एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 टोटल टाइम लग रहा है उसको एक्स यूनिट्स भरने के लिए पानी का, और एक मिनट में कितना भरेगा, एक्स ओवर 1 प्लस 3। तो एक मिनट में जो ए है वो एक्स ओवर एक्स प्लस 3 यूनिट पानी वो भर रहा है, मतलब इतने यूनिट पानी भर रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका एफिशिएंसी होगा भाई, एक मिनट में ए है वो इतना काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी हम बी का निकाल लेते हैं सेम ऐसे ही। तो बी का सेम ऐसे ही निकालने पे हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 3x + 64 + 3/3 = x यूनिट, मतलब 3x + 64/3 मिनट्स में एक्स यूनिट भरा जा रहा है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, ये 3x + 64 नीचे चला जाएगा और 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3x/3x + 64।
तो यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। ए का एफिशिएंसी निकाल लिया हमने, बी का एफिशिएंसी निकाल लिया, टोटल हमने टाइम मान लिया ए प्लस बी का एक्स मान लिया, और टोटल यूनिट टोटल लीटर जितना लीटर पानी भरा जाएगा इस सिट्रस में वो मान लिया हमने एक्स एक्स यूनिट। अभी ए प्लस बी का, अभी तो हमने ए का एफिशिएंसी निकाले, बी का एफिशिएंसी निकाले, अभी हम ए प्लस बी इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी कितना टाइम में बढ़ रहा है, जैसे हमने सबसे ऊपर जो माना है वो क्या एक्स मिनट्स, ठीक है दोस्तों, एक्स मिनट्स में कितना यूनिट बढ़ रहा है, एक्स यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है। ए प्लस बी जो दोनों है उनका जो एफिशिएंसी वो क्या है, एक्स मिनट टोटल टाइम ले रहा है, कितनी यूनिट बढ़ने के लिए पानी की, एक्स यूनिट बढ़ने के लिए पानी की, ठीक है दोस्तों। तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एक्स मिनट में एक्स यूनिट, वन मिनट में हो जाएगा एक्स ओवर एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा इजिकल टू वन, ठीक है दोस्तों। तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो है वन यूनिट पर मिनट, एक मिनट में एक यूनिट बढ़ने की एफिशिएंसी ए प्लस बी की आ गई हमारे पास। तो ये आ गई वन, ए की हमने निकाली, ए की कितनी आई थी एक्स ओवर एक्स प्लस थ्री, बी की आई है ए थ्री एक्स प्लस सिक्स फोर ओवर थ्री, नहीं सॉरी थ्री एक्स ओवर थ्री एक्स प्लस सिक्सटी फोर। तो ये बी की एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी आ गई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारे पास वन आई। तो इनको तीनों को ए प्लस बी इजिकल टू वन इस फार्मूले में भर देते हैं, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे ए की यहाँ पे बी की वैल्यू भर देते हैं, ये किसके बराबर है वन के बराबर है इसकी जो एफिशिएंसी है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है एक्स एक्स प्लस थ्री, बी की कितनी है थ्री एक्स प्लस फोर सिक्सटी फोर, किसके बराबर है ये वन के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करने, मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रखा, आप सॉल्व करोगे इसको, वीडियो लंबा बन रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं किया। एक्स की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी आठ। तो हमने सबसे ऊपर क्या माना था कि ए प्लस बी कितना टाइम ले रहा है, एक्स ले रहा है। तो इन्होंने क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा कि एक्स प्लस बी ये दोनों पाइप अगर एक साथ खोली जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का एट मिनट्स। तो उम्मीद है दोस्तों समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।